नमस्कार। इस वक्त देश में ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का मुद्दा जोर शोर से गूंज रहा है। एक तरफ याचिकाकर्ता सर्वे की मांग पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि मस्जिद से इतर कहीं भी वीडियोग्राफी कराई जाए उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी कराना उनके हिसाब से गलत है। मामला कोर्ट तक पहुंचा तो जज ने दो टूक फैसला सुना दिया कि सर्वे तो होगा मस्जिद के बाहर भी और उसके अंदर भी। अब जब से सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण के आदेश दिए हैं, तभी से इस फैसले की खूब चर्चा हो रही है। हालांकि दूसरी तरफ फैसला सुनाने वाले जज को अपनी और परिवार की चिंता भी सता रही है। आदेश देने के बाद जज ने कहा कि उन्हें अब अपने आसपास डर का माहौल दिख रहा है और ऐसे में वो अपने परिवार की चिंता में डूबे हुए हैं। जज दिवाकर ने कहा, एक साधारण से कोर्ट कमीशन की कार्रवाई को असाधारण मामला बनाकर भय का माहौल पैदा कर दिया गया है। अब मुझे भी अपने परिवार की चिंता होती है और उन्हें मेरी चिंता सताती है। मेरी पत्नी भी मुझे लेकर हर वक्त चिंता में रहती है। एक तरफ जज दिवाकर ने माहौल में डर महसूस होने की बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ लोग उनके इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें, कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट कमिश्नर 17 मई को अपनी रिपोर्ट सौंपे। कोर्ट ने सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक सर्वे के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि 17 मई तक राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से सर्वे पूरा कराया जाए। अदालत ने कहा कि सर्वे की कार्रवाई के दौरान अगर दोनों में से कोई एक कोर्ट कमिश्नर एब्सेंट होगा तब भी कार्रवाई होगी। कोर्ट में जज ने यह भी कह दिया कि अगर किसी ने सर्वे के काम में बाधा डालने की कोशिश की तो उन सब के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। इसके अलावा अगर किसी गेट की चाबी नहीं मिलती है तो ताले को बेझिझक तोड़ा जा सकता है। जज ने जिस तरह से कड़क अंदाज में यह फैसला सुनाया, इसे लेकर AIMIM प्रमुख ओवैसी नाराज हो गए हैं। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए ओवैसी ने कहा, आज का आदेश 1991 के फैसले का उल्लंघन है। फैसले के खिलाफ मस्जिद की कमेटी और पर्सनल लॉ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। गर्मियों की छुट्टी से पहले ही तुरंत जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने मामले को रखा जाएगा। ओवैसी ने कहा, मुल्क किस राह पर जा रहा है? कुतुब मीनार में आप चले जाते हैं, अपनी विचारधारा के नाम पर संविधान को रौंद देंगे आप? कल मैं कहूंगा कि PM के घर के नीचे मेरी मस्जिद है तो खोदने देंगे आप? देश 1991 के एक्ट के तहत चलेगा या मंचलों की विचारधारा पर चलेगा? देश कानून से चलेगा या आस्था से चलेगा? ओवैसी तो ये तक कह गए कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को छीना गया उस तारीख को दोहराया जा रहा है। मैं एक मस्जिद को खो चुका हूं, मैं अब दोबारा मस्जिद को खोना नहीं चाहता। बहरहाल, आपको इस खबर पर क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं।